हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगी कि हमारी जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें हमारे कमर दर्द और घुटनों में दर्द और जो है हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर भारीपन क्यों रहता है, सर में दर्द क्यों रहता है, तो और इसके लिए हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमको थोड़ा बहुत आराम मिले और ये जो है नॉर्मल होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, ये सारी बातें मैं आपको जो है इस वीडियो में क्लियर करूंगी। ठीक, देखिए होता क्या है कि जो हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो ये फर्स्ट टाइम होता है, तो फर्स्ट टाइम पे हमको कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो हमारे साथ जो भी दर्द वगैरह होते हैं तो हमको एकदम से बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। हम सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगी। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्विंस प्रेगनेंसी में हमारे जो है ज्यादातर पेट के निचले हिस्से में हमको भारीपन महसूस होता है और दर्द होता है, तो ये क्यों होता है इसका रीजन आप समझिए। ये जो ज्यादातर हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है पांचवें महीने से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक बेबी नहीं दो बेबी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमको जो है नीचे की तरफ ऐसा महसूस होने लगता है जैसे नीचे को बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे बेबी का वेट बढ़ता है। इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये ट्विंस प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये सभी महिलाओं के साथ होता है जिनकी भी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, मेरे साथ भी होता था। जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमको नीचे की ओर प्रेशर जो है महसूस होता है और दबाव भी रहेगा, दर्द भी रहेगा, और ये हो सकता है कि पूरी प्रेगनेंसी ही झेलना पड़े। मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करती थी, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। आपको क्या करना है कि जब आप रात में सोए तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल से आपको जो निचले हिस्सा होता है पेट का उसमें तरीके से ऐसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ऊपर को मालिश करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा कसके नहीं करना है, बिल्कुल पेट को दबाना नहीं है, उसपे प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से नॉर्मल हाथों से करना है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपको क्या करना है, सरसों का तेल होता है उससे पूरे पेट पे मालिश करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा और इसमें ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ट्विंस प्रेगनेंसी में जो है हमारी कमर में दर्द होता है, तो मैं आपको बता दूं ट्विंस प्रेगनेंसी में कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ट्विंस बेबी होते हैं तो उनका प्रेशर हमारे जो पेट जो होता है वो आगे की ओर होता है, तो हम जो थोड़ा सा तिरछा होके चलने लगते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वेट भी बढ़ता है, तो जिस वजह से हमारी कमर पे पूरा प्रेशर पड़ता है। और आप एक चीज और महसूस करेंगे कि आप ऐसे हाथ रखे और चलेंगे जब आपका टाइम बढ़ेगा, तो यही रीजन होता है कि हमारी कमर में बहुत ज्यादा ही पेन रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप रात में सोए तो मैं आपको एक जो है स्प्रे सजेस्ट करूंगी जो मैं लगाती थी, ये देखिए इसका नाम है डायनापार और ये बहुत ही अच्छी स्प्रे है, इसका रिजल्ट इतना सॉलिड है, मैं उस समय यही यूज करती थी। तो आपको क्या करना है कि जब आप रात में सोए तो आप इसको जो है इस तरीके से दबा के इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको यूज करिए और आप सुबह देखेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कमर दर्द का एक रीजन और भी होता है कि जो है हम जब प्रेगनेंसी में जो है भारी वजन वगैरह उठाते हैं और हमको मना किया जाता है लेकिन हम नहीं मानते हैं, तो एक ये भी रीजन होता है कि हमारी कमर वगैरह में बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। और एक रीजन और होता है वो ये होता है कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो तब भी हमें कमर दर्द प्रेगनेंसी में झेलना पड़ता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कैल्शियम की टेबलेट जरूर खानी है, आपको दूध वगैरह जरूर पीना है और आपको सेब वगैरह भी लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि इनमें अच्छा सा कैल्शियम होता है, तो आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी है। होता क्या है कि हमारी एक प्रेगनेंसी में 5 साल तक का कैल्शियम चला जाता है, तो आप अंदाज लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है आप अपनी बॉडी में बिल्कुल भी कैल्शियम की कमी ना होने दे। ठीक है, और एक रीजन और होता है कमर में दर्द का कि ट्विंस प्रेगनेंसी में अगर हम ज्यादातर खड़े होकर काम करते हैं तो भी हमें कमर दर्द बहुत ज्यादा झेलनी पड़ जाती है। और एक रीजन और भी होता है कि प्रेगनेंसी में हम जब गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से उठते हैं, तब भी हमारी कमर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कमर दर्द से बचने के लिए आपको जमीन पे नहीं बैठना है। ठीक है, और आपको जो है कोशिश करनी है कोई सॉफ्ट जगह ही बैठना है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड जगह नहीं बैठना है।
आप जो है बेड वगैरह पे ही ज्यादातर बैठे, आप कुर्सी पे बैठे, इससे आपको काफी रिलीफ होगा। अगर आप जमीन पे बैठती हैं तो जो होता है हमारा जो पेट का और ज्यादा नीचे को प्रेशर होता है तो हमें और ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, और आपको बिल्कुल भी ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में जो है पैरों में सूजन वगैरह भी आ जाती है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसका भी रीजन होता है कि बेबी वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा प्रेशर होता है वो पैरों पे भी आता है, ठीक है। और अगर हम उस दौरान बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों में अक्सर सूजन आ जाती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ना खड़े रहें। ट्विंस प्रेगनेंसी में रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपको जो है रीढ़ की हड्डी में भी जो है आपको ये वाली स्प्रे ट्राई करनी है। अगर ये वाली स्प्रे ना मिले तो आप कोई भी दर्द का ट्यूब ले सकते हैं, कोई भी दर्द की स्प्रे ले सकते हैं, आप उसको लगाइए और रात में सोते समय स्पेशली लगाइए, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप अगर चाहते हैं रीढ़ की हड्डी में ज्यादा दर्द वगैरह से थोड़ा बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप बैठें तो आप कोशिश करें कि अपने जो है पीठ के पीछे थोड़ी तकिया लगा के बैठें। इससे क्या होगा कि आपकी जो हड्डी रीढ़ की हड्डी होगी वो ज्यादातर थोड़ा सीधी पोजिशन में रहेगी, इससे थोड़ा दर्द वगैरह कम होगा, ठीक है। और ट्वींस प्रेगनेंसी में सर दर्द भी बहुत ज्यादा होता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है कि तेल वगैरह की चम्पी सर पे करते रहना है, कंडू बाम वगैरह लगाइए, इससे आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा ही दर्द होता है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के कोई पेन किलर भी खा सकते हैं, ठीक है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिल्कुल भी ना खाएं। और एक बात और बता दूं आपको कि ट्वींस प्रेगनेंसी में जो है आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको लेटने में बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है कि आने वाले टाइम पे जब आप लेटना चालू करेंगे, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपको करवट लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी सीधा नहीं लेटना है, ठीक है। आप जब भी लेटें तो आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड करवट लेके ही लेटें, ठीक है। आप जितना सीधा लेटेंगी उतना ही ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी में आपको एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी कोई ना कोई नस जो है दबना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको ये दर्द पूरी प्रेगनेंसी झेलना पड़ता है। अगर आप गलती से भी सीधा लेटती हैं तो आप जब करवट लेंगी तो आपके इतना ज्यादा पेन होगा प्राइवेट पार्ट में कि आप आसानी से करवट नहीं ले पाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी सीधा नहीं लेटना है, सीधा जहां तक हो सके उसको अवॉइड करिए। और जब आप रात में सोए तो आप अपने पैरों के नीचे जो बेड वाला तकिया होता है आप उसको यूज कर लीजिए। वैसे तो प्रेगनेंसी प्लो भी आते हैं, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन वो भी मंगा सकती हैं, मैंने तो नहीं मंगाया था, मैं तो यही करती थी। उसके बाद अगर आप लेटेंगी तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ट्विंस प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दर्द, घुटनों में दर्द हो या कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं, तब आप जो है डॉक्टर को जरूर दिखा लें, ठीक है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और ये पूरी प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है। तो आपको बस कोशिश करनी है कि जो भी मैंने बताया आप उसको करते रहें और अपना जो है खान पान का विशेष ध्यान रखें। और आपको एक बात और बता दूं, कैल्शियम का पाउच आता है, आप उसको भी जरूर मंगाइए, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आप उसको 7 दिन में एक बार दूध के साथ ले लीजिए, वो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती है, कोई भी उस प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ले लीजिए और उससे भी बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा आपको। और आपको कैल्शियम और आयरन की टेबलेट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो 5वें महीने से जब हमारा स्टार्ट होता है तो हमें कुछ ज्यादा ही दर्द वगैरह महसूस होता है, फिर उसके बाद में हमारी धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है, तो हटिए फिर इतना ज्यादा महसूस नहीं होता है, ठीक है। और जब आपको घुटनों के दर्द के लिए आपको क्या करना है, जब आप रात में सोएं तो आपको सरसों के तेल से अपने पैरों पे, पूरे पैरों पे मालिश जरूर करवानी है। और उसके बाद में, इसके बाद जो मैंने आपको ये स्प्रे दिखाया था, इसको जो है आपको अपने घुटनों पे जरूर लगाना है, इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। और आप एक बार ट्राई करिए, अगर जो है ये ऑनलाइन मिलता है तो आप जरूर मंगा लीजिए, जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा फर्क महसूस होगा। मुझे तो पूरी प्रेगनेंसी इसने बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी और मैं जब भी इसको लगाती थी मुझे एकदम से बहुत रिलीफ महसूस होता था, तो इसीलिए मैं आपको स्पेशली सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।